आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सालविका श्रीवास्तव। रुख करते हैं खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण का अधिकार मिलने के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है। दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सेवा सचिव बदलने का आदेश जारी किया है। बता दें कि सर्विसेज सचिव पद पर नियुक्त आशीष मोरे को हटा दिया गया है। वहीं सर्विसेज के नए सचिव के तौर पर अनिल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। बता दें कि अनिल जल बोर्ड के सीईओ भी रह चुके हैं। दरअसल दिल्ली सरकार के मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि एक निर्वाचित सरकार को प्रशासन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी की बाकी प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार का ही नियंत्रण होगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।